कंबाइनेड रेजिस्टेंस मतलब कंबाइनेड रेजिस्टेंस ऑफ कंबाइनेड रेजिस्टेंस आर अप टू रेजिस्टर आर वन और आर टू। आज की इस वीडियो में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे कंबाइनेड रेजिस्टेंस आर अप टू रेजिस्टर आर वन एंड आर टू मतलब आर वन और आर टू रेजिस्टेंस का जो कंबाइनेड रेजिस्टेंस है वो कौन है आर है। कंबाइनेड रेजिस्टेंस आर अप टू रेजिस्टर आर वन एंड आर टू आर वन और आर टू का कंबाइनेड रेजिस्टेंस आर है और कंडीशन है कि आर वन आर टू ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और वो ये अपने पास दिया है। मतलब इस आर वन और आर टू का जो कंबाइनेड रेजिस्टेंस है 1 बाय आर इक्वल टू 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू मतलब ये रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है। जब रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं बराबर है जब रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 बाय आर इक्वल टू 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू आपको वो इन 10वीं क्लास में पढ़ेंगे। तो रेजिस्टेंस आर मैक्सिमम कब होगा बोलता है हमको शो कर रहा बोलता है कि आर मैक्सिमम कब रहेगा। ये यहाँ पे इधर वाला क्वेश्चन आर मैक्सिमम कब रहेगा जब आर वन और आर टू इक्वल रहेगा ये हमको प्रूफ करना है। चलो देखते हैं कैसे प्रूफ करना है। हमारे पास कौन मैक्सिमम बोल रहा है आर तो आर फंक्शन का काम करेगा। तो अपने पास कौन दिया है 1 बाय आर इक्वल टू 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू ये दिया है ये हमारे पास गिवन में दिया है। ओके चलो इसको सॉल्व कर लेते थोड़ा सा 1 बाय आर इक्वल टू और एक बात दी है आर वन प्लस आर टू इक्वल टू सी भी दिया है। तो हमको बताओ जब एक्स और वाई दो वेरिएबल होते हैं तो वहां से y की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे R1 और R2 दो रेजिस्टेंस हैं तो इसको R1 या R2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूं 1 बाय R इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो क्या होगा R2 प्लस क्या होगा रे R1 अपॉन R1 इनटू R मैक्सिमम है तो R के फॉर्म में आना पड़ेगा। तो इसका R करूंगा मतलब R ऊपर 1 नीचे R ऊपर 1 नीचे इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा R1 R2 ऊपर जाएगा और नीचे में R1 प्लस R2 होगा और R1 प्लस R2 कौन है C है। यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे R1 इंटू इस R2 की जगह क्या लिखूंगा पता है कि R2 की जगह C प्लस R1 लिखूंगा ब्रैकेट में C प्लस R1 ऐसा क्यों लिखा मुझे R1 के फॉर्म में चाहिए ठीक है और R1 प्लस R2 कौन होगा C होगा। हाँ ये प्लस R1 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस R1 हो जाएगा या बाजू में लिखोगे कि R1 प्लस R2 यानी क्या था C था तो R1 प्लस R2 की जगह सबने C लिखे और R2 के जगह C माइनस R1 R2 के जगह C माइनस R1 हो जाएगा। तो ऐसा क्यों लिखा क्योंकि तो मुझे इसको फंक्शन के फॉर्म में लिखना है। अगर तो x के फॉर्म में रहा तो फंक्शन अपन fx लिखते हैं। अब R किसके फॉर्म में R1 और R1 के फॉर्म में इसको अपन क्या लिखेंगे एफ आर वन लिखेंगे। ओके अरे कौन मैक्सिमम है आर मैक्सिमम है तो फंक्शन का काम कौन करेगा ये आर फंक्शन का काम करेगा इसको अपन एफ आर वन लिखेंगे क्योंकि आर किसका फंक्शन है आर वन का फंक्शन है। अरे बात समझ में आएगा जैसे कि आप लिखते हो ना अगर वैल्यू मैक्सिमम होता है एक्स और एक्स माइनस वन का क्यूब होगा इसको हम फंक्शन लिखते हैं एफ ऑफ एक्स तो ये वैल्यू किसका फंक्शन है एक्स का फंक्शन है तो एफ यानी क्या वैल्यू किसका फंक्शन एक्स का तो आर यानी क्या फंक्शन किसका है आर वन का। अरे गेटिंग माय पॉइंट इसलिए इस पूरे को आर वन के फॉर्म में कन्वर्ट करना तो क्या हो जाएगा इक्वल टू में वन बाय सी और इसका ब्रैकेट खोल दो ब्रैकेट खोलोगे तो क्या होगा आर वन सी ब्रैकेट क्यों खोला पता है ना ताकि हमको डेरिवेटिव करना है ठीक है और ये माइनस आर वन का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या निकालेंगे अभ्यास आर वन निकालेंगे ठीक है तो वन बाय सी कॉमन है वैसे भी तो वन बाय सी कॉमन ही निकल जाएगा और आर वन कॉमन आर वन कॉन्स्टेंट कॉमन आर वन का डेरिवेटिव वन होगा क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर वन होगा R1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा पावर आगे और से कम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ठीक है। हमारे पास ये हमारे पास फंक्शन का काम कौन करेगा R क्योंकि R मैक्सिमम है हमको प्रूफ करना है। हमारे पास ये गिवन में दिया कि इसके लिए R निकालना पड़ेगा R निकालने के लिए इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा तो R2 बन जाए R2 R1 बन जाए R1 दोनों का मल्टीप्लिकेशन R निकालना था ये ऊपर के नीचे फिर मुझे आर किसी एक वेरिएबल के फॉर्म में मतलब एक रेजिस्टेंस के फॉर्म में लाना था आर वन के फॉर्म में लाना था तो इसलिए आर टू की वैल्यू पुट करना पड़ा सी माइनस आर वन आर वन प्लस आर टू की जगह सी लिखना पड़ा ये हमारे पास गिवन में दिया था। अब बताओ उसके बाद क्या लिया इसी को हमने फंक्शन माने हाँ नहीं भी मानोगे तो डी आर बाई डी टी इसको कई आपने किताब कई किताब में ऐसा लिखा होगा डी आर बाई डी टी एस डी आर बाई डी आर वन सॉरी विद रिस्पेक्ट टू आर वन कर रहे हैं ना इसको ऐसे भी लिख सकते हो डी आर बाई डी आर वन इसको ठीक है। अच्छा कोई मतलब नहीं है कोई टेंशन वाला काम नहीं ठीक है। तो बताओ मैंने फंक्शन का डेरिवेटिव कर ये हमारा फंक्शन है
वो भी किसका आर वन का यहाँ से वन बाय सी ऐसे लिख दिया और इसको ऐसे लिख दिया, इसका ब्रैकेट ओपन कर दिया, फिर डिफ्रेंशिएट कर दिया तो वन बाय सी कॉमन निकल गया और आर वन कॉमन सॉरी सी कॉमन क्योंकि सी कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट कॉमन आर वन का कितना हो जाएगा वन और आर वन के स्क्वायर का टू आर वन हो जाएगा। ओके अब आगे बढ़ो। ओके तो क्या हो जाएगा अब लिखोगे कौन सा वाला बंडा, कौन सा वाला बंडा कि आपका जो फंक्शन है एफ आर वन हैज इज मैक्सिमम, हमको मैक्सिमम शो करना है ना, देखिए मैक्सिमम कब शो करना है जब आर वन और आर टू इक्वल रहेगा, तो एफ आर वन मैक्सिमम कब रहेगा इफ कब होगा एफ डैश आर वन क्या रहेगा जीरो रहेगा, तो इस कंडीशन से आपका आर वन निकल जाएगा और आर वन आर टू के बराबर निकलेगा गारंटी के साथ। देखो एफ आर वन इज एज ए मैक्सिमा, एज ए मैक्सिमा लिख सकते हो मैक्सिमा कब मैक्सिमा है नहीं, अभी मैक्सिमा रहेगा इफ एफ डैश आर वन क्या रहेगा जीरो रहेगा, एफ डैश आर वन जीरो करे तो वन वन बाय सी ब्रैकेट में सी माइनस टू आर वन क्या रहेगा जीरो रहेगा, तो वन बाय सी उधर जाएगा तो क्या होगा जीरो होगा, सी माइनस टू आर वन इक्वल टू जीरो माइनस टू आर वन इक्वल टू माइनस सी हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आर वन की वैल्यू क्या निकल गई सी बाय टू, अगर यही आर वन की वैल्यू मैं यहाँ डालूंगा तो आर टू की वैल्यू सी बाय कुछ निकलेगी गारंटी के साथ में, मतलब आर वन और आर टू इक्वल हो जाएगा, मतलब आपका फंक्शन मैक्सिमम कब रहेगा जब आर वन और आर टू क्या रहेगा इक्वल रहेगा, तो ये आर वन इक्वल टू निकल गया सी बाय टू बराबर है, इसी में फर्स्ट दे देता हूँ आर टू की वैल्यू सी बाय टू निकलेगी अगर आर टू को यहाँ पुट करोगे तो, आर टू को देखो सी माइनस आर वन है, लेकिन वो चेक करने के लिए डबल डबल टू टेस्ट चेक करना पड़ेगा, नाउ क्या निकालोगे पहले एफ डबल डैश आर वन, क्योंकि आर वन की वैल्यू सी बाय टू इस पे एफ डबल डैश आर वन क्या आना चाहिए लेस देन क्या आना चाहिए जीरो आना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम प्रूफ करना है लेस देन जीरो आना चाहिए डबल डेरिवेटिव टेस्ट, तो ये डबल डैश आर वन है किसका डेरिवेटिव एफ डैश आर वन का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ क्या डी बाय डी आर लिखोगे डी आर वन डी बाय डी आर वन क्योंकि थ्री से क्यों आर वन कर रहे हैं, तो किसका डेरिवेटिव होगा एफ डैश आर वन का डेरिवेटिव होगा, तो क्या होगा वन बाय सी कॉन्स्टेंट कॉमन निकलेगा और सी का क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा और माइनस टू आर वन का क्या होगा माइनस टू आर वन का माइनस टू होगा, क्योंकि आर वन का कितना हो जाएगा वन हो जाएगा, मतलब माइनस टू बाय सी होगा, ठीक है तो एट पे आर वन इक्वल टू सी बाय टू पे एफ डैश सी बाय टू जो होगा इसका भी आंसर बताओ, यहाँ पे क्या आर वन की टर्म तो है नहीं, आर वन की टर्म है क्या नहीं है, तो आर वन की टर्म नहीं तो माइनस टू बाय सी जाएगा बिल्कुल लेस देन जीरो आ गया, इसका मतलब आपका फंक्शन क्या हो गया बताओ, इसका मतलब आपका फंक्शन क्या हुआ, इसका मतलब आपका फंक्शन क्या होगा एफ आर वन, एफ ऑफ आर वन क्या होगा दैट इज एफ ऑफ आर वन है कौन है आपका आर, दैट इज क्या होता आर इज क्या होगा मैक्सिमम होगा, होगा कि नहीं होगा मैक्सिमम, अरे मैक्सिमम होगा नहीं होगा, लेकिन कब हुआ ये जब आपका आर वन क्या होगा सी बाय टू और आर टू क्या होगा देखो आर टू को देखो आर टू को देखो आपका आर टू को देखो आर टू यानी क्या होगा आर टू यानी क्या होगा सी माइनस आर वन, आर टू यानी क्या था सी माइनस आर वन यानी क्या होगा सी माइनस सी बाय टू, उसका क्रॉस कैलकुलेशन करो टू वन जब टू में से सी गए टू सी में से एक सी गए तो सी बाय टू से लेंगे, इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब आर वन इक्वल टू क्या हो गया आर टू, देखो आर भी आर वन पे सी बाय टू आर टू पे सी बाय टू, तो आपका आर कब मैक्सिमम हुआ जब आर वन और आर टू क्या हो गया इक्वल हो गया, हेंस क्या हो गया प्रूफ हो गया, ये तो हमको प्रूफ करना था ना कि आपका फंक्शन मैक्सिमम कब रहेगा आर मैक्सिमम कब रहेगा, आर मैक्सिमम कब रहेगा जब आर वन और आर टू क्या रहेगा इक्वल रहेगा, यही हम लोगों को प्रूफ करना था, तो एक बार ऊपर ऊपर देख लो कि आपके पास ये दिया था इससे आपका आर निकला, आर आपका फंक्शन का काम करेगा, तो आर को आर वन के फॉर्म में लिखे इसको एफ आर वन देंगे, वन बाय सी के फॉर्म में लिखा जैसा का वैसा लिखा, इसका ब्रैकेट खोल दिया फिर इसका डेरिवेटिव कर दिया, डेरिवेटिव करने के बाद में क्या किया मैंने ये डेरिवेटिव करके एफ डैस आर वन इक्वल टू वन बाय सी इसको अच्छे फॉर्म में लिख दिया सी माइनस टू आर वन ये आपका डेरिवेटिव हो गया, फिर एफ आर आर वन हैज मैक्सिमा कब इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा जीरो रहेगा, इस कंडीशन से आर वन की वैल्यू निकली, अब ये आर वन इक्वल टू सी बाय टू है इस पे डबल डेरिवेटिव टेस्ट क्या आना चाहिए लेस देन जीरो आना चाहिए मैक्सिमम प्रूफ करने के लिए, तो पहले डबल डेरिवेटिव टेस्ट निकाला डबल डेरिवेटिव इसका दोबारा डेरिवेटिव एफ डैश आर वन का विद रिस्पेक्ट टू आर वन रहेगा, लेकिन ना तो एफ डैश आर वन का डेरिवेटिव क्या होगा वन बाय सी कॉमन निकलेगा कॉन्स्टेंट का क्या हो जाएगा जीरो जीरो हो जाएगा और माइनस टू आर वन का क्या होगा माइनस टू होगा क्योंकि आर वन की वैल्यू वन हो जाएगी, तो माइनस टू बाय सी बचेगा। ओके अब माइनस टू बाय सी आ गया, अब मुझे आर वन इक्वल टू सी बाई टू पे निकालना, तो आर वन इक्वल टू सी बाई टू बोला तो एफ डैस सी बाई टू होगा, यहाँ पे आर वन की जगह सी बाई टू आएगा, लेकिन यहाँ पे आर वन की टर्म है नहीं तो माइनस टू बाय सी बचेगा, मतलब लेस देन जीरो आ रहा है,
इसका मतलब आपका फंक्शन fr अपने h कौन है, fr अपने h कौन है, r, फंक्शन r क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, कब, जब r की वैल्यू c/2 है, और r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू क्या होगी, c - r1 होगी, c - r1 यानी क्या होगा, c - r1 यानी r1 की जगह c/2 पुट करोगे, इसका कैलकुलेशन करोगे तो c/2 आंसर आएगा, मतलब r1 और r2 कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो आपका r मैक्सिमम कब है, जब r1 और r2 कैसे रहेंगे इक्वल रहेंगे। तो ये क्वेश्चन आज का, ये सेकंड क्वेश्चन है आज के वीडियो का, ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं पूरे मैक्सिमम क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ, सॉल्व एग्जांपल एक्सरसाइज जो भी है, नंबर के पीछे मत भागो, कंसेप्ट के पीछे भागो, ठीक है, बेसिक के पीछे भागो, ठीक है, क्वेश्चन क्या, ठीक है, अपने आप क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे कौन मैक्सिमम बोल रहा है, प्रॉफिट इज मैक्सिमम, तो प्रॉफिट मैक्सिमम करने के लिए कितने आइटम आपको सोल्व करना पड़ेगा, कितने आइटम आपको बेचना पड़ेगा। तो कंपनी मैन्युफैक्चर करी x आइटम, उस x की वैल्यू निकालना है हमको, तो x की क्या वैल्यू होगी, कितने आइटम कंपनी बेचेगी जिससे उस कंपनी को, उस मैन्युफैक्चरर को प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या दिए कि नंबर ऑफ आइटम कितने x है, क्या रेट से बेच रहे, 330 - x ये रेट से बेच रहे। तो मान लो रेट ₹5 और अपने पास आइटम 50 है, कितने के होंगे, हो जाएंगे ₹2,250 के होंगे, बराबर, अगर ₹5 के रेट से बेचूंगा तो बताओ कॉस्ट कैसे निकालते हैं, तो रेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम, अगर मेरे पास रेट ₹5, नंबर ऑफ आइटम 50 है, अबे एक आइटम ₹5 का, तो 50 आइटम कितने के होंगे, 50 × 5 ₹250 के होंगे। तो ये आपके पास रेट दिया है, रेट देखो रेट, और ये दिया आइटम, तो कॉस्ट कितनी निकलेगी, ठीक है, तो कॉस्ट क्या निकलेगी, सॉरी ये सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, मतलब सेल कर रहा है इतने रेट से, तो आपके पास कॉस्ट तो ये है, देखो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स आइटम, उस एक्स आइटम की कॉस्ट ये है, इसकी 50 आइटम की कॉस्ट मान लो, 50 आइटम की कॉस्ट मान लो ₹250 होगा, ₹200 होगी, ये कॉस्ट होगी, कॉस्ट होगी मान लो, ठीक है, और वो ₹5 के मान से बैठ रहा है 50 आइटम को ₹250, तो उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, ₹50 का प्रॉफिट। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है यहाँ पे, कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ आइटम क्या है, नंबर ऑफ आइटम कितने बताओ, x है, तो आइटम सेल कितने रेट से, x आइटम्स आर सेल क्या रेट से, एट अ रेट ऑफ कितना, ₹330 - x, इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगी, इसका मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ x आइटम क्या हो जाएगी, बोलो, नंबर ऑफ आइटम मल्टीप्लाई बाय रेट, अब सेलिंग प्राइस से किस निकालोगे, कितने आइटम है और एक आइटम कितने का, रेट क्या होता है, रेट पर आइटम होता है ना भैया, तो नंबर ऑफ आइटम मल्टीप्लाई बाय रेट, तो रुपीज कितना 330 माइनस क्या होगा x, बराबर इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 330x होगा, इसको रुपीज में लिखोगे फाइनल आंसर 330x होगा और माइनस x का स्क्वायर होगा, ये सेलिंग प्राइस। अब बता कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, कॉस्ट ऑफ एक्स आइटम, उस एक्स आइटम की कॉस्ट क्या है, तो एक्स आइटम की कॉस्ट, पूरे एक्स आइटम की कॉस्ट ये दी है, रुपीज क्या दिया है, एक्स का स्क्वायर माइनस 10x + 12, ये कॉस्ट दिया है, तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे, प्रॉफिट तो प्रॉफिट क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस क्या होता है, कॉस्ट होता है कि नहीं होता है, तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस क्या है बताओ, 330 माइनस क्या, 330x है, माइनस क्या, x स्क्वायर, ये आपकी सेलिंग प्राइस होगी, और कॉस्ट क्या है, माइनस करके बहुत बढ़िया मानने वाली ब्रैकेट में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x + 12 बराबर है, तो 330x माइनस x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर माइनस 10x + 12 बराबर है 330 माइनस x से क्या, 330 + x तो नहीं है, मेरे क्वेश्चन में कभी गड़बड़ हो जाती है, बराबर है, ठीक है, तो बता -x² - x² -2x² और 330x से 10x गए, तो 300 कितने बचेंगे, 20x बचेंगे, और +12 जैसा का वैसा, सब में से -2 कॉमन निकल रहे हैं बाद में निकाला, ये आपका प्रॉफिट रहेगा, और ये प्रॉफिट किसका काम करेगा, फंक्शन का काम करेगा, ये जो प्रॉफिट है किसका काम करेगा, फंक्शन, वो भी x वाला फंक्शन, ठीक है, ये आपका निकल गया प्रॉफिट, ओके ठीक है। अच्छा माइनस 12 है क्या, हाँ ब्रैकेट खुलेगा, ये +12 -x² होगा, माइनस -+10x होगा, और -+ क्या होगा, माइनस, ये बाकी के तो ध्यान ही नहीं दिया,
अब तो गड़बड़ हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा अभी बताओ, 10x और 330x 340x 346x हो जाएगा, ओके 346, और ये माइनस 12 जैसा का वैसा, ओके वेरी गुड। तो ये भी क्या रहेगा 330, तो बड़े वाले का साइन रहेगा मतलब पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, तो आंसर पॉजिटिव है। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 330x और माइनस प्लस 10x 340x और ये माइनस 12 जैसा का वैसा रहेगा, ओके। अब नाउ अब अगर फंक्शन आपका मैक्सिमम है, ओके, नाउ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, नाउ क्या निकालोगे, अब क्या सिक्स निकालोगे कि नहीं निकालोगे, डिफरेंशिएशन करते कि नहीं करते, तो बताओ ये कितना होगा, माइनस 4x होगा और एक कितना होगा 340 होगा और वो क्या हो जाएगा जीरो, 340x का 340 x होगा और माइनस क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसमें से 4 कॉमन निकाल रहे तो कॉमन निकालो, माइनस 4 कॉमन निकाल दिया तो क्या बचेगा x, प्लस का क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो बताओ 4 8 32 बचेंगे 2 20 4 5 20, उम्मीद करता हूँ कि समझा होगा, ओके 4 8 32 4 8 32 होगा, ओके एक बार चेक कर लो तो ऊपर ऊपर के मिस्टेक क्यों नहीं हुई, नंबर ऑफ आइटम x थे, आइटम x आइटम सेल कर रहे इतने रेट से, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी x इंटू ये होगा 330x माइनस क्या होगा x स्क्वायर हो जाएगा, फिर कॉस्ट ऑफ आइटम आपके पास दिया है x स्क्वायर प्लस 10x है, ये मिस्टेक हो गया, ये यार थोड़ा गड़बड़ गड़बड़ हो जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हाँ ठीक है, ये प्लस 10x है बराबर है, ये आपका प्लस 10x था, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ये प्लस 10x था, ये क्या हो जाएगा माइनस 10x हो जाएगा, बराबर है ये प्लस 12 था, प्लस 12 तो माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका 300 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ओके 320 हो जाएगा, 320 हो जाएगा, ओके यहाँ पे 80 बचेगा, बराबर 80 बचेगा। अब बताओ ना आपका ये एफ डैश एक्स निकल गया, अब आप लिखोगे एफ एक्स एज अ मैक्सिमम, हमको क्या अपना प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए, तो एफ एक्स एज अ मैक्सिमम, मैक्सिमम कब रहेगा इफ अगर एफ डैश एक्स क्या रहेगा जीरो, तो इस कंडीशन से आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू निकल जाएगी इस कंडीशन से, देखो माइनस 4x माइनस 80 इक्वल टू क्या होगा जीरो, तो x माइनस 80 इक्वल टू क्या होगा जीरो होगा, होगा कि नहीं होगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80, मतलब 80 आइटम प्रोड्यूस होंगे, इतने आइटम प्रोड्यूस होंगे तो प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। लेकिन ये आंसर लिखने के पहले आपको पता है आंसर 80 आने वाला है, लेकिन वो आंसर लिखने के पहले आपको डबल डेरिवेटिव टेस्ट चेक करना पड़ेगा, तो x इक्वल टू 80 पे अगर आपका एफ डैश एक्स का जो डेरिवेटिव है, एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव करोगे मतलब एफ डबल डैश एक्स इस 80 पे क्या आना चाहिए लेस देन जीरो आना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम बोला तो क्या आना चाहिए लेस देन जीरो। नाउ सबसे पहले डबल डेरिवेटिव टेस्ट चेक कर लोगे, तो जब डबल डैश एक्स निकालोगे, जब डबल डैश एक्स निकालोगे इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव निकालोगे, और एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव होगा, तो माइनस 4 कॉमन निकलेगा सही बात है, और x का कितना होगा 1 होगा और कांस्टेंट का क्या होगा 0, मतलब आपका आंसर क्या आने वाला माइनस 4 होने वाला। एट x इक्वल टू 80 पे, एट x इक्वल टू 80 पे f डबल डैश क्या 4 और f डबल डैश 80, f डबल डैश 80, तो बताओ यहां पे x की टर्म है ही नहीं, मतलब आपका आंसर क्या आएगा माइनस 4 हो जाएगा, लेस देन क्या है 0, इसीलिए आपका जो फंक्शन है f(x), f(x) इज कॉल f(x) इज कॉल प्रॉफिट, f(x) इज कॉल प्रॉफिट, दैट इज प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट इज क्या होगा मैक्सिमम होगा, कब व्हेन कितने आइटम सेल होंगे, हाउ मेनी आइटम सेल, तो x इक्वल टू 80 आइटम सेल, व्हेन जब x इक्वल टू कितने 80 आइटम्स, आर क्या होंगे बताओ, व्हेन 80 आइटम्स डायरेक्ट शॉर्ट पे लिख दो 80 आइटम्स आर क्या होंगे सेल होंगे, जब आपके 80 आइटम सेल होंगे, 80 आइटम सेल होंगे तब जाके प्रॉफिट क्या होगा मैक्सिमम होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये आज के अपने वीडियो का थर्ड क्वेश्चन है, हमारे को क्या करना है ओपन बॉक्स बनाना है, इज मेड टू कट, इज कट टू बी मेड आउट ऑफ पीस ऑफ स्क्वायर कार्डबोर्ड, हमारे पास एक स्क्वायर कार्डबोर्ड है, इसको हमने कट कर दिए, कट कर दिए कहाँ से, कट कर दिए कॉर्नर से, कट कर दिए कहाँ से, कट कर दिए कॉर्नर से, ये हमारे पास में स्क्वायर कार्डबोर्ड है, ये हमारे पास ये स्क्वायर कार्डबोर्ड है, इस स्क्वायर कार्डबोर्ड को मैंने कट कर दिया कहाँ से, कॉर्नर से, ये कॉर्नर से कट कर दिया, मतलब कॉर्नर से क्या कर दिया कट कर दिया, मतलब कॉर्नर से मतलब देखो मैं ऐसे कट कर रहा हूँ, ये दिख रही है चार कॉर्नर है, तो चारों कॉर्नर एक कॉर्नर से मैं इतना इसका इतना पोर्शन कट कर रहा हूँ, इतना पोर्शन सेम इधर से स्क्वायर शेप पोर्शन कट कर रहा हूँ, ये इतना पोर्शन कट कर रहा हूँ, इतना पोर्शन क्या करो कट कर रहा हूँ, इतना पोर्शन क्या कर रहा हूँ कट कर रहा हूँ, कट कर दिया, ये चार कॉर्नर में कट कर रहा हूँ, देखो इक्वल स्क्वायर फ्रॉम कॉर्नर
इक्वल स्क्वायर इस कॉर्नर कट कर लो, स्क्वायर कॉर्नर के ये मैंने कट कर दिया, देखो ये कट कर दिया, ये कट कर दिया, ये कट कर दिया, फिर बाहर निकाल दिया, इसको कट कर दिया, ये कट कर दिया, ये कट कर दिया, ओके अबे गलती से कट गया, ठीक है, और ये कट कर दिया इस तरह से, ये इस तरह से मैंने कट कर दिया, ठीक है, ठीक है, कॉर्नर से कट कर दिया, ये कॉर्नर से मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया, इक्वल स्क्वायर कट कर दिया, देखो ये स्क्वायर कार्डबोर्ड के कॉर्नर से कट कर दिया, देखो चारों कॉर्नर से कट कर दिया, मतलब यहाँ से कट कर दिया, ये मतलब यहाँ से ये कट कर दिया इतना पोर्शन, यहाँ से इतना पोर्शन कट कर दिया, यहाँ से इतना पोर्शन कट कर दिया, यहाँ से इतना पोर्शन कट कर दिया, और बाद में क्या किया, इसके जो साइड है इनको टर्न कर दिया ऊपर की ओर, ये ऊपर की ओर ऐसे टर्न कर दिया, देखो ये ऊपर की ओर ऐसे टर्न कर दिया, देखो ये ऊपर की ओर ऐसे टर्न कर दिया, ये ऊपर की ओर टर्न कर दिया, मतलब इनको उठा दिया मैंने, मतलब इसको मैंने ऐसे उठा दिया, ये देखो तो मेरे को एक ओपन बॉक्स मिल गया, देखो अभी क्या मिला, ओपन बॉक्स मिला कि नहीं मिला, ओपन बॉक्स, तो ऐसा ओपन बॉक्स हमने बना है, ओपन बॉक्स इज मेड, बताओ ना क्या, कार्डबोर्ड को इस कॉर्नर में इन इन साइड को ऐसे टर्न अप कर दिया, इसको मैंने ऐसे ऊपर की ओर टर्न अप कर दिया, इसको भी ऊपर, ये इसको भी ऊपर की ओर टर्न अप कर दिया ये वाले, और इसको भी मैंने ऐसा ऊपर की ओर टर्न कर दिया, और इसको भी ऊपर की ओर टर्न कर दिया, बात समझ में आई भैया, अरे बबुआ समझ में आया कि ऐसे टर्न करते एक ऐसा हमारे को बॉक्स मिलेगा, अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा 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 बबुआ, तो बता ये पूरा कितना है, ये पूरा है आपको पता है ये पूरा था 18 सेंटीमीटर का, बराबर 18 सेंटीमीटर बराबर है, हमने कट कितना पोर्शन किए, ये हमने जो कट किए थे बबुआ ये x पोर्शन कट किए थे, ये x, ये x, तो बबुआ ये भी x होगा, ये भी x होगा, तो ये भी क्या होगा, x होगा, तो कट वाला पोर्शन, ये बचेगा कितना, ये बचा पोर्शन कितना होगा रे, ये बचा के पोर्शन कितना, इधर का भी x गया, इकडचा पण x गेला आणि तिकडचा पण x गेला, तो वाचला किती 18 - 2x, ये 18 - 2x बचेगा, ओके डन, अरे बात समझ में आया क्या, तो ये 18 - 2x ये भी कितना रहेगा, 18 - 2x ये भी आपका 18 - 2x ही रहेगा, ये भी आपका 18 - 2x ही रहेगा, ये भी आपका 18 - 2x, इतना पोर्शन, इतना पोर्शन, ओके इतना पोर्शन, इतना पोर्शन, समझ में आया क्या, तो बोल रहा है इसका वॉल्यूम, इस बॉक्स का वॉल्यूम निकालो, वैल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यूम ऑफ बॉक्स, तो हमको क्या करना है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यूम ऑफ बॉक्स, बॉक्स का वैल्यूम मैक्सिमम वैल्यूम ऑफ बॉक्स, तो वैल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ, तो लेंथ कितनी होगी 18 - 2x होगी, बराबर है, ब्रेथ कितनी होगी x होगी, और हाइट भी कितनी होगी x होगी, अरे होगा कि नहीं होगा, वैल्यूम ऑफ बॉक्स का फॉर्मूला लेंथ * ब्रेथ * हाइट, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया, यही आपका फंक्शन का काम करेगा, अरे यही आपका किसका काम करेगा, फंक्शन का काम करेगा, बात समझ में आई, तो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, ओके लेट साइड ऑफ स्क्वायर कार्डबोर्ड, साइड ऑफ क्या है, स्क्वायर कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड की जो साइड है, लेट लिखने की जरूरत नहीं है, हमारे पास दीच है, साइड ऑफ स्क्वायर कार्डबोर्ड, स्क्वायर कार्डबोर्ड, स्क्वायर क्या है बाबा, कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड कितना दिया बताओ, 18 सेंटीमीटर दिया, अब मैंने इसको कट कर दिया कॉर्नर से, कि ओपन बॉक्स इज मेड, ओपन बॉक्स इज मेड, मेड मेड, ओके मेड बाय कटिंग, बाय कटिंग इक्वल स्क्वायर कॉर्नर, इक्वल स्क्वायर फ्रॉम कहां से, इक्वल स्क्वायर कट कर दिया मैंने, इक्वल स्क्वायर From corner of cardboard, corner of cardboard, by turning of the side, by कैसे, and turning of the side, and turning of the क्या sides, बराबर है, तो आपको क्या मिलेगा, length of box क्या मिलेगी, 18 - 2x, लेकिन मिलेगी, तो volume of जो cardboard होगा, volume of क्या होगा, कार्डबोर्ड, वैल्यूम ऑफ बॉक्स नॉट अ कार्डबोर्ड, शॉर्टकट लिख रहा हूँ, वैल्यूम ऑफ बॉक्स, तो लेंथ ऑफ बॉक्स होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, होगा कि नहीं होगा, तो मैंने एक बात लिखना जरूरी था कि जो इक्वल पोर्शन जो कट कर रहे हो स्क्वायर, तो यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, लेट लेट साइड ऑफ स्क्वायर कट कॉर्नर, जो स्क्वायर कट जो कॉर्नर है, जो कॉर्नर से आपने कट कर दिए,
कॉर्नर से स्क्वायर कट फ्रॉम कहां से रहे, साइड ऑफ स्क्वायर कट फ्रॉम कहां से रहे, कॉर्नर से, कॉर्नर से, ठीक है। तो क्या होगा उसकी एक्स साइड होगी, रहोगे कि नहीं हो। अब डायरेक्ट लिखोगे वैल्यूम ऑफ बॉक्स, डायरेक्ट लिखोगे वैल्यूम ऑफ बॉक्स, तो लेंथ इंटू क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू क्या होगा हाइट। तो लेंथ किसका काम करेगी, 18 माइनस 2 एक्स का काम करेगी बराबर, ब्रेथ किसका काम करेगी, एक्स का काम करेगी, हाइट किसका काम करेगी, एक्स का काम करेगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझा होगा। तो क्या हो जाएगा बताओ, 18 माइनस 2 एक्स और इसका क्या होगा, एक्स का स्क्वायर होगा, ये कितना होगा बताओ, 18 एक्स का स्क्वायर और माइनस 2 एक्स का क्यूब होगा। ये आपका वैल्यूम ऑफ बॉक्स किसका काम करेगा, फंक्शन का काम करेगा, बस खत्म का। अब नाउ क्या निकालोगे बताओ, एफ डैश एक्स निकालोगे, एफ डैश एक्स क्या होगा बताओ, ये कितना होगा 36, 18 दोनों 36 एक्स होगा, और ये कितना होगा 2 × 3 = 6 एक्स का स्क्वायर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये आपका एफ डैश एक्स निकल गया। फिर एफ एक्स एज ए मैक्सिमा या मिनिमा लिखोगे, वही बात, एफ एक्स एज ए मैक्सिमा, मैक्सिमा, मैक्सिमा इफ कब, जब आपका एफ डैश एक्स क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ये वाली कंडीशन का यूज करोगे। एफ डैश एक्स जीरो मतलब कौन, 36 एक्स माइनस 6 एक्स का स्क्वायर, ये क्या रहेगा आपका, जीरो रहेगा। तो माइनस यहाँ से आप लोग क्या कॉमन निकालोगे, 6 और x कॉमन निकालोगे, तो 7 × 7 = 36 6 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा मात्र, x बचेगा मात्र, इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर टू 0 होगी, और में 6 माइनस x इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 0 आएगा 6 माइनस, ये तो 6 0 की वैल्यू चला गया, तो x स्क्वायर टू 0 होगी, और में x स्क्वायर कितनी होगी, माइनस 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 x इक्वल टू माइनस 6 होगा, इसका मतलब x स्क्वायर 0 होगी, और में x स्क्वायर क्या होगी, 0 होगी। साइड कैन नॉट बी मतलब एक्स जो होता है कैन नॉट बी जीरो, एक्स क्या होगा कैन नॉट बी, तो साइड कैन नॉट बी क्या होगी, कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी जीरो, तो देयरफॉर क्या होगा जीरो, इसलिए एक्स जो क्या होगी 6 हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा, ये 6 होगा और बाकी बचा वाला पोर्शन क्या रहेगा, ये 6 और ये 6 12 हो जाएगा, और बाकी बचा वाला कितना रहेगा, 6 पोर्शन रहेगा, 6 परसेंट तो कटेंगे नहीं, देखते हैं अभी निकलता है तो 6 बराबर है कि, एक बार चेक कर दूंगा, मिस्टेक नहीं हुई कहीं पे, 18 माइनस 2x होगा बराबर है, हाँ 18 माइनस 2x होगा, तो लेन 18 माइनस 2x, ये x इंटू x बराबर है x का स्क्वायर बराबर है 36, 3 × 6 पावर से 1 कम बराबर है, ठीक है, 6 कॉमन निकलेगा, 6x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे x बचेगा बराबर है, ओके स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें कहीं ना कहीं मेरे को डाउट लग रहा है, तो यहाँ पे ब्रेथ जो होगी, हाँ यहाँ पे ब्रेथ का प्रॉब्लम है, ये आपकी लेंथ 18 माइनस 2x, ब्रेथ 18 माइनस 2x, हाइट x है, ये जो हाइट है ये है x, ये लेंथ 18 माइनस 2x, ब्रेथ पे 18 माइनस 2x, तो आपका ब्रेथ भी क्या रहेगा, 18 माइनस क्या रहेगा 2x, और इनटू x रहेगा भैया, ऐसा। तो अभी तो बहुत ईजी लग रहा था आप लोगों को, ठीक है, अभी पूरा ईजी नहीं रहेगा, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कोई बात नहीं कर लेते इसको। अब बताओ इनमें से 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x, तो 18 माइनस 2x का क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, इनटू x होगा, क्या होगा 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x का क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने के पहले मेरे ख्याल से यहाँ से दो कॉमन निकाल लो, तो 9 माइनस 6 होगा, यहाँ से दो कॉमन निकालोगे तो 9 माइनस 6 होगा और इनटू x होगा, तो 2 × 2 = 4, ये 9 माइनस 6 का पूरे का होल स्क्वायर और ये x हो जाएगा, नहीं समझा, तो क्या हो जाएगा, तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 9x का डबल 18x, और ये प्लस x का स्क्वायर होगा, एक बार माइनस एक बार प्लस, उम्मीद करता हूँ कि समझा होगा। इसका ब्रैकेट खोल दोगे तो कितना होगा, 4 को 12 से रखना, 81x होगा बराबर है, माइनस 18x का स्क्वायर होगा, और ये क्या होगा प्लस x का क्या होगा क्यूब होगा, हाँ ये आपका फंक्शन रहेगा भैया, ये आपका फंक्शन रहेगा। अब इसका नाम एफ डैश एक्स करोगे तो क्या होगा, 4 कॉमन निकलेगा, 81x का 81 होगा, इसका 36x होगा, और इसका क्या होगा 3x का स्क्वायर होगा बराबर, बराबर है। अब क्या होगा इसमें, क्या होगा 4 यहाँ से 3 कॉमन निकल रहेगा और 3 कॉमन निकल रहे हैं, तो 3 कॉमन निकलोगे तो कितना होगा, अभी निकालने की जरूरत नहीं, बाद में निकालना है, ठीक है, एफ डैश एक्स हो गया, निकल गया ना एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स इसका डेरिवेटिव 4 कॉमन, 81x का 81, ये 36x, ये 3x का स्क्वायर, फिर लिखोगे एफ एक्स एज ए मैक्सिमम, पर इतना स्क्रीनशॉट ले लो फिर देख लेते हैं, ठीक है।
वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो आप क्या लिखोगे, अभ्यास एक्स एज ए मैक्सिमा, अभ्यास एक्स सॉरी नाउ क्या लिखोगे, एफ एक्स इज ए मैक्सिमा, एफ एक्स एज ए मैक्सिमा, एज ए मैक्सिमा कब, जब आपका अभ्यास एक्स क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अभ्यास एक्स जीरो रहेगा मतलब तो कौन, अभ्यास एक्स जीरो रहेगा मतलब तो कौन, दैट इज फोर एटी वन एक्स माइनस एटीन एक्स का स्क्वायर सॉरी 36x, 81 माइनस 36x और प्लस 3x का स्क्वायर 4, 81 माइनस 36x प्लस 3x का स्क्वायर इक्वल टू 0, ये उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ से 3 कॉमन निकालेंगे तो 4 इंटू 3 कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, x का स्क्वायर बचेगा, 3 वन जब 3 टू जब 6 12x बचेगा और इसमें 27 लगेगा, ये पूरा जीत चार की बार उधर जाएगा तो जीरो होगा, देयरफॉर एक्स का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27 बचेगा और इक्वल टू 0 होगा। को समझ में आया कि यहां से 3 कॉमन निकाला तो ये एक्स स्क्वायर को पहले लिखा पॉजिटिव वाले को, ये माइनस 12x और ये 27 होगा प्लस 27। अब यहां पे प्लस 27 का ऐसा फैक्टर गिराओ, प्लस 27 का ऐसा फैक्टर गिराओ जिनका एडिशन कितना आना चाहिए, ये प्लस नहीं आना चाहिए, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है ऐसा लग रहा है। यहाँ पे बराबर आ गया ए का स्क्वायर माइनस 24b प्लस बी का स्क्वायर बराबर, ठीक है हाँ ओके रुक ना, 9 की 27 बराबर है, ठीक है तो 9 और 3 12 होते हैं बराबर है, ये माइनस नहीं बराबर है पूरा बराबर है, ठीक है तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर x माइनस 9 एक फैक्टर होगा और x माइनस 3 आपका दूसरा फैक्टर, तो x के दो दो वैल्यू निकल गए, तो पहले कौन सी x माइनस 9 ओके और क्या होगा x माइनस 9 तो x इक्वल टू 9 होगा और मैं x इक्वल टू 3 आपके दो दो वैल्यू होंगे, तो x को 9 अगर डालोगे तो 9 18, अगर यहाँ पे डालोगे 18 माइनस 2x में तो 29 जाए 18, 18 में 18 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा जो एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर ये x है किसकी साइड है, कॉर्नर की, जो कॉर्नर काटे आपने स्क्वायर कॉर्नर उसकी साइड का वैल्यू, तो x इक्वल टू जब 9 रहेगा तो आपकी जो लेंथ रहेगी साइड लेंथ ऑफ, देखो आपको चेक करो, चेक करना जब दो दो वैल्यू है तो कोई भी एक वैल्यू होगी, तो फॉर x इक्वल टू 9 के लिए, देखो फॉर x इक्वल टू 9 के लिए जो लेंथ ऑफ कार्डबोर्ड लेंथ ऑफ बॉक्स जो है लेंथ ऑफ बॉक्स क्या होगी बताओ, 18 माइनस 2 इंटू 9 तो आंसर क्या रहेगा 0, विच इज नॉट पॉसिबल अगेन, तो फॉर x इक्वल टू 9 के लिए जो लेंथ ऑफ बॉक्स आ रहा है, लेंथ ऑफ बॉक्स कितना आ रहा है बताओ, लेंथ ऑफ बॉक्स इज 18 माइनस 2 इंटू 9 मतलब तो 0 आ रहा है, which is not possible, इसीलिए x की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, उम्मीद करते हो समझ जाओ, x की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। अब बताओ इस x की वैल्यू 3 पे और x की वैल्यू 3 के लिए डबल डेरिवेटिव निकालोगे, तो नाउ f डबल डैश x निकालोगे पहले, तो f डबल डैश x क्या होगा, तो डेरिवेटिव ऑफ f डैश x बराबर है, तो f डैश x कहां पे अपने पास, ये f डैश x दिख रहा है आपको यहां पे, तो f dash x का होगा डेरिवेटिव ऑफ f dash x का 4 कॉमन है 81 का 0 36 कॉमन x का 1 और 2 3 का 6 6 होगा बराबर, ये क्या होगा 4 इनटू माइनस 36 माइनस 6 6 होगा बराबर, तो एट x इक्वल टू 3 पे जब डबल डैश 3, ठीक है हमारा वैल्यू क्या आना चाहिए, मैक्सिमम आना चाहिए, जब डबल डैश 3 बोला तो क्या क्या होगा माइनस f 4 इनटू माइनस 36 तो 6 3 जा 6 इनटू 3 होगा ना का 18 हो जाएगा, आंसर नेगेटिव में जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका बताओ, ये आंसर 4 जैसा का वैसा माइनस 36 और 6 3 जो 18 हो जाएगा, तो कितना आंसर होगा 4 इनटू 8 और 6 कितने हो गए 14 हो गए, तीनों तो कितने हो गए 5 माइनस 54 हो गए, कहाँ जगह पर कहीं पीछे क्यों गया, x की जगह कितना लिखेंगे ओके कहाँ पे कौन से प्लस 3x का स्क्वायर है, चलो ये गड़बड़ हो जाती है प्लस 6x होगा प्लस होगा, तो 63 जा 18 प्लस 18 तो कितना बचेगा माइनस 18 बचेगा, तो आंसर तो नेगेटिव में आने वाला बचेगा, तो 4 8 32 बचेंगे 3 4 आएगा 4 कौन सा माइनस 72 लेस देन 0 है, इसका मतलब आपका फंक्शन जो होगा एफ ऑफ एक्स आपका फंक्शन जो होगा एफ ऑफ एक्स दैट इज कॉल्ड वैल्यूम ऑफ बॉक्स, वैल्यूम ऑफ ओपन बॉक्स, वैल्यूम ऑफ क्या होगा बॉक्स, वैल्यूम ऑफ ओपन बॉक्स, वैल्यूम ऑफ ओपन बॉक्स, ये एफ ऑफ एक्स एंड वैल्यूम ऑफ ओपन बॉक्स ही तो था, वैल्यूम ऑफ ओपन बॉक्स क्या होगा बताओ, बोलो 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 इज मैक्सिमम वैल्यू कब, जब एक्स की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, तो वो वैल्यू ऑफ ओपन बॉक्स निकालना भी है,
वैल्यू मुझे निकालना है, वैल्यूम ऑफ बॉक्स तो निकालना भी है एट x इक्वल टू 3 पे। तो वैल्यूम ऑफ ओपन बॉक्स मैक्सिमम व्हेन x इक्वल टू 3 व्हिच इज गिवन बाय तो वैल्यूम ऑफ बॉक्स में क्या होगा, वैल्यूम ऑफ बॉक्स x इक्वल टू 3 पे f ऑफ 3 होगा। तो f ऑफ x में जहां जहां x होगा वहां वहां क्या पुट करोगे, f ऑफ x में जहां जहां x होगा वहां वहां क्या पुट करोगे बेटा, r से पुट करोगे। तो f ऑफ x में ये वाला f ऑफ x मत लेना, इसके ऊपर वाला f ऑफ x देखे होंगे आप लोगों ने, 18 माइनस 2x था और लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट कहती है x की वाला, ये लोगे तो लंबा जाएगा, ये वाला लेना। तो क्या होगा f ऑफ 3 बोले तो क्या क्या होगा, f ऑफ 3 यानी 18 माइनस 2 इनटू कितना 3, इस तरह से 18 माइनस 2 इनटू कितना 3 और इनटू में 3 वाला, तो 2 3 का 6 18 में से 6 के कितने होंगे 12 इनटू 12 इनटू 3 समझ गया, 12 इनटू 12 कितना होगा 144 इनटू 3, तो 312 और 13 3 × 4 तो 432 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर होगा 400 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये आपका वैल्यूम ऑफ बॉक्स देगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं भी समझ में आया होगा कोई बात नहीं, समझ में तो आ गया होगा ठीक है। सर कितना खतरनाक कंसेप्ट है सर, कितना खतरनाक कंसेप्ट है भाई, बनाना तो पड़ेगा, उतना हार्ड भी नहीं है यार, इजी है ठीक है। तो वैल्यूम ऑफ बॉक्स इस बार निकालना था हमको, वो जो कॉर्नर आपने काटे तो x निकाल के, वो x तो निकल गया, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट चेक किया आप लोगों ने, वो नेगेटिव आया मतलब लेस देन 0, इसका मतलब वैल्यूम ऑफ ओपन बॉक्स कितना बढ़ गया, ओपन बॉक्स ये छोटे से मिस्टेकों को तो चेक कर लेते जाना ठीक है। तो वैल्यूम ऑफ ओपन बॉक्स क्या होगा, इट्स मैक्सिमम जब x इक्वल टू क्या रहेगा 3 रहेगा, मतलब जो कॉर्नर काटे स्क्वायर उसकी साइड 3 सेंटीमीटर रहेगी। तो वैल्यू ऑफ ओपन बॉक्स इज गिवन बाय x इक्वल टू 3 पे f ऑफ 3 होगा, तो जहां जहां x होगा वहां वहां क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, तो उससे आंसर आ गया 432 ठीक है। तो बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा क्या होगा, लास्ट एंडिंग टॉपिक होगा इस एक्सरसाइज का ठीक है, और आफ्टर दैट हम नया चैप्टर क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर।